Hey guys, welcome to this video. So alphabetical candidate list जो आनी थी वो आ चुकी है। आपको CAP का जो पोर्टल है 3 years का, यहाँ पे आपको आना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 17th of December को ये list आ चुकी है। Alphabetical candidate list MH मतलब महाराष्ट्र। तो जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र कैटेगरी से हैं, ओके, महाराष्ट्र कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, उनका नाम इस पर्टिकुलर फाइल में देखने को मिलेगा। ये जो नाम है, अगर आपने CAP के लिए फॉर्म भरा है तो ही आपको देखने को मिलेगा। एंड दूसरा जो लिस्ट है वो OMS, जो स्टूडेंट्स आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैं। तीसरा लिस्ट उनके लिए है जिनका फॉर्म आधा भरा हुआ था, इनकम्प्लीट था, या फिर पूरा CAP का फॉर्म भरे थे पर ऑप्शन फॉर्म नहीं भरे थे, ये इनकम्प्लीट माना जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड जो स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी से है या फिर NRI कैटेगरी से है, उनका डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है इसको आप ओपन कीजिए। आई विल रिकमेंड कि इसको आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ओपन कीजिए। जो भी लिस्ट अगर आप खोलेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र कैंडिडेटचर का अगर आप लिस्ट खोलते हैं, तो ये अल्फाबेटिकल है, ओके, आप देख सकते हो अल्फाबेटिकली ये ऑर्डर पे रखा गया है। सो यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका CAP एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी की कुछ डिटेल, जैसे कि जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी टाइप, आपका स्कोर कितना था SSC में, HSC में, यू और अंडर ग्रेजुएशन, जो आपका ग्रेजुएशन था, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर अप्लीकेबल होगा तो। एंड उसके सामने एक स्टेटस लिखा हुआ है कन्फर्म्ड, ओके। नाउ अगर ये जो कन्फर्म्ड नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कन्फर्म्ड है और बाकी के जो डिटेल्स है, 10वीं का, 12th का, ग्रेजुएशन का, PG इफ एप्लीकेबल, CET मार्क्स, या फिर बाकी के जो डिटेल्स हैं, आप लॉगिन भी कर सकते हो आपके पोर्टल पे, CAP का फॉर्म भी होगा आपके पास। अगर उसमें थोड़ा भी मिस्टेक है, मान लीजिए ये 52.04 की जगह पे एक्चुअल जो है वो 52.03 है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट इट नाउ। आपके पास कुछ समय दिया गया है, इसके बीच में ही आपको वो एडिट करना है और टोटली सही करना है। यहां पे अगर मिस्टेक है और अगर कन्फर्म्ड है, तो ये फॉर्म आगे चलने के बाद कॉलेज लेवल पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप उसको अभी से सही कर ले। हाँ, बाकी अगर डिटेल सब सही है, यहाँ पे कन्फर्म्ड आ गया, तब फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत ही सिंपल है। ये जो CAP का स्केड्यूल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, CAP के वेबसाइट पे ही है। स्केड्यूल के हिसाब से 16 दिसंबर शाम को ये लिस्ट आनी थी, पर हमने देखा कि आज लिस्ट आई है, और 17 दिसंबर से 20 दिसंबर, तो 17, 18, 19, 20, 4 दिन का आपको समय दिया गया है फॉर्म एडिट का। तो आप ये वेबसाइट पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर्म एडिटिंग हैज बीन स्टार्टेड टिल 20th December 2021। तो 20 तारीख तक, ओके, 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपका जो फॉर्म है इसको आप एडिट कर सकते हो। आपको इसी पोर्टल पे जहाँ पे आपने फॉर्म भरा था लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो भी डिटेल्स सही नहीं फिल किया है आपने, उसको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, इन केस अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। आपका नाम तो आ चुका है क्योंकि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर किया है CAP के लिए, पर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है पोर्टल पे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी रीजंस यहाँ पे दिए गए रहेंगे, वहां पे आपको स्टेटस में दिखता होगा, जब आप लॉगिन करेंगे तो उसको आप सही कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से OMS कैटेगरी के स्टूडेंट्स का डिटेल्स है, जिसका कन्फर्म्ड है, बाकी सब डिटेल्स सही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद का जो स्टेप है वो ये है, ये रही आपकी अल्फाबेटिकल लिस्ट आने की डेट जो आ चुकी है, आप एडिट कर सकते हो। इसके बाद आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो, ये राउंड वन का फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। और आपको जो कॉलेजेस अलोकेट होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में जो क्वेश्चंस है कि हमें कॉलेज कौन सा मिलेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा या फिर कब पता चलेगा, तो उसकी जो डेट है वो 30 दिसंबर की है। ठीक है, तो 30 दिसंबर के पहले आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, तो यू हैव टू वेट टिल 30th दिसंबर। एंड 31 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में यू हैव टू विजिट कॉलेज फॉर द एडमिशन पर्पस। ये डेट भी CAP के स्केड्यूल में है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो इसी पेज से, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा CAP अपडेटेड स्केड्यूल जो 30 नवंबर को अपडेट हुआ था। ये डेट चेंजेस हो सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ जो डेट है, जो CAP का स्केड्यूल है, दिस इज द फाइनल स्केड्यूल। ठीक है, नाउ थर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देता हूं, अल्फाबेटिकल कैंडिडेट लिस्ट इनकम्प्लीट। ओके, तो जो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स थे, OMS थे, अगर आपका नाम इसमें है, आप एडिट कर सकते हो। 20 तारीख तक आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन होगा, आप एडिट कर दीजिए, उसको वो चेक करेंगे,
ओके okay? और अगर सब कुछ सही रहा तो वो अप्रूव हो जाएगा एंड आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो आपको कॉलेजेस अलोकेट नहीं किए जाएंगे राउंड वन में। नाउ इन केस आपका नाम इनकम्प्लीट वाले फाइल में है, जो फाइल ये रही, ओके okay? तो जो भी रिमार्क्स है फिल टिल फोटो एंड सिग्नेचर, मतलब इन्होंने आधा ही फॉर्म भरा है, इन्होंने जो फॉर्म भरा है वो सिर्फ फोटो और सिग्नेचर तक का ही किया, इसके आगे का इन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। इसी प्रकार से जो भी रीजन दिए गए हैं, अप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट बट नॉट लॉग्ड, ओके, तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसको लॉग करना है, सबमिट करना है, कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भरना है, उसको भी सबमिट करना है, ठीक है, तब जाके वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपका माना जाएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का वीडियो ऑलरेडी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको आप देख लीजिए एंड तक कैसे आपको फॉर्म भरना है, उसमें अच्छी तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो आपका नाम अगर इस फाइल में है तो भी आप कैपराउंड वन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 20 तारीख तक आप इसको एडिट कर लीजिए ताकि वो फॉर्म आपका अप्रूव हो जाए, और इसके बाद का जो स्टेप है वो ये है, हमारे पास आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट राउंड वन का 27 दिसंबर को 5 बजे, ओके, जिसका नाम इसमें होगा 27 दिसंबर के फाइल में, उसी को कॉलेजेस अलोकेट किए जाएंगे 30 दिसंबर का जो पीडीएफ फाइल आएगा उसमें। फाइन, सो आई होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल फॉर रेगुलर सच अपडेट, एंड अगर आपके मन में कैप रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस इन आर कैप कोर्स। हमारा एक कैप कोर्स है 149 रुपीज का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें एक चैट बॉक्स है जिसमें आप 11 से 7 के बीच में आपके क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। फाइन, सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन इन कॉलेजेस। थैंक यू सो मच।